दिक्कत आ गई है, बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। सुबह के बजे हैं ऑलमोस्ट 5:30 और मैं रनिंग करके आ गया हूँ। स्पेशली ये बात मुझे आपको इसलिए बतानी है कि उठिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए और अपने शरीर को जितना यूज कर सकते हैं करिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, तो घर के काम करिए। आजकल मैं क्या करता हूँ ना, वर्कआउट करने के बाद मैंने घर में बोला है कि आंगन मैं साफ करूँगा। मतलब घर में आप जब बर्तन मलिए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, वो सारी एक्टिविटीज हो जाएगी, वर्कआउट हो जाएगा। 2-4 चक्कर छत में लगाइए, मगर कुछ ना कुछ करिए। शरीर को जितना यूज करोगे उतना बढ़िया चलेगा, और आलस से तो फाइट करना है। तो दोस्तों, हमारे बाबूजी इतने मस्त हैं, उन्होंने मुझे देखा, वो आज उठे नहीं, आज थोड़ा सा लेट हो गए। तो मैं वॉशरूम गया था तो उन्होंने मुझे देखा कि उठ गया है और चाय बना दी, क्योंकि मतलब वही सोचते हैं कि मुझे अच्छा लगता है उनके हाथ की चाय सुबह सुबह, तो उन्होंने बना के यहाँ पर टेबल में रख दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेखर जोशी व्लॉग्स में, और मैंने इसमें चढ़ा दी है यहाँ पे सब्जी। हम सब पी रहे हैं अब इस टाइम पे काढ़ा, खाली पेट चाय भी नहीं बंद कर रखी है तो काढ़ा पी रहे हैं। तो यहाँ पे बैठे हैं लोग, काढ़ा पी रहे हैं, कोई अखबार पढ़ रहा है। सासू माँ से करवा लो जरा सा। हेलो गाइस बोलो। हेलो गाई, हम चाय पी रहे हैं। कहती है यहाँ चाय नहीं पीते, बोल सुबह सुबह काढ़ा पी रहे हैं, गैस हो जाती है। और कैसे हो आप लोग? दिवाली भी आ गई है, कल उजागरी हो गई है, सबको उजागरी की बधाई। उजागरी पूर्णिमा पूरा करते हो क्या? करते हो? कोई तो कह रहे हैं करते हैं, कोई करते हैं नहीं करते हैं। खाना भी 4 बजे से तो भी खाना भी नहीं हुआ, जो नियम से चलते हैं। तो नहीं तो हम तो बार मतलब कल कल ग्रहण है ना, ग्रहण है, मैं तो नहीं करती हूँ। आखिर ग्रहण में क्या व्रत? ग्रहण में क्या व्रत होता है? चंद्रमा की पूजा नहीं हुई तो क्या व्रत हुआ? वो पूजा नहीं करनी हुई, चंद्रमा की आरती नहीं हुई। अब आप लोग जो करोगे, मैं तो नहीं करती हूँ। जी तुम देखो जी, मैं तो वैसे व्रत जैसा हो रहा है आजकल, एक रोटी सुबह खाता हूँ, एक दिन में एक शाम को खाता हूँ, 3 रोटी खाता हूँ, चावल छोड़ रखे हैं, स्प्राउट लेता हूँ, प्रोटीन लेता हूँ, हेल्दी की पूरी, जो मैंने जो है खचर बचर खाना बंद कर रखा है। मेरे तो एक प्रकार से व्रत ही चल रहे हैं, फलाहार पर चल रहा हूँ। तो दोस्तों, तैयार हो चुका है स्प्राउट, और आज इसमें मैंने प्याज नहीं डाला। प्याज क्यों नहीं डाला? प्याज हो गया है यार, क्या बताऊँ, 60 रुपये किलो हो गया कसम से, इसलिए नहीं डाला। 60 रुपये किलो हो गया है प्याज, आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे कोई जरूरत नहीं है प्याज से। तुम तो प्याज खाते नहीं हो, पर फिर भी तो बताओ महंगाई को लेकर के 2 शब्द। हाँ, महंगाई होगा फिर कौन? नहीं करोगे तो कौन कर रहा है? हाँ, रोज तुम्हारी यही बात है, और यही बात कहते हो रोज रोज। हाँ, सब यहाँ बिल्डिंग में बैठे हैं, कौन करेगा हमारे लिए परिश्रम? चलो ठीक है भैया। तो दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसा हो गया है, मैं क्या बताऊँ, गजब का हो गया है। और गजब का नहीं हो गया है, बहुत दिक्कत आ गई है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, क्योंकि हमारा जो मेन रास्ता था वो बंद होने वाला है, क्योंकि जिनका वो प्लॉट है वो अपना मकान बना रहे हैं। हमें यहाँ आए हुए 10 साल हो गए हैं, 10 सालों से हमारा वही रास्ता था, लेकिन भाई जिनका प्लॉट है वो तो बनाएंगे मकान, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, गाड़ी की भी दिक्कत आने वाली है, गाड़ी भी पूरी कॉलोनी से मोड़ के ले जानी पड़ेगी। तो और जैसे जो ऑनलाइन वाले आते थे उनको मैं एड्रेस देते थे कि बस मेन रोड से 2 कदम है यहाँ पे आ जाना करके, तो वो भी अब नहीं हो पाएगा, तो काफ़ी दिक्कतें हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेन जो है बंद हो गया है, उन्होंने ईंटें डाल दी हैं, तो अब जो है ये ब्लॉग में देखते होंगे, ये देखो गाइस, आपने देखा होगा हम यहाँ से जाते थे अक्सर, यहाँ से, तो ये जो है ये बंद हो चुका है, ये बंद हो चुका है। अब हमें जो है यहाँ से जाना पड़ेगा और पूरा यू टर्न लेना पड़ेगा ऐसे। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो आदत होती है ना, आपको पता ही है, आदत ऐसी है कि यार ये घर से निकले और सीधे जो है यहाँ को चल दिए, और यहाँ से जो है बाहर हाईवे है। तो दोस्तों, एक बात और है, आज हम अपने गद्दे को फेंक रहे हैं, एक गद्दा ना बुरी तरह सड़ गया था, और हमें डर भी लग रही है कि कूड़े वाला पकड़ ना ले, इतना बड़ा बना रखा है ये देखो। तो गाइस, एक होटल का अखबार के साथ ना किसी रेस्टोरेंट के ओपनिंग का आ रहा है, ये पता नहीं कब है, तो भूभी पूछ रही है कि क्या क्या खाएंगे करके। पापा क्या खाओगे? मैं तो बेटा लंच वाला आइटम खाऊंगा, आप क्या खाओगे? राव साहब बताओ यार क्या क्या खाओगे, क्या खाओगे बताओ। स्प्रिंग रोल खाएगा? यार मेरा बेटा तो ये ऐसे ही है यार, ये खाने की बात करता है। होमवर्क करा नहीं करा पहले बता गाइस को, गाइस को हेलो गाइस तो कह दे। गुड नाइट गाइस, इस दिन में गुड नाइट कैसे रहा?
दिन में देख रहे हैं। गाइस मिलते हैं अगली। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और अभी मैं देख रहा हूँ कि आप गाइस आपको क्या खाना है इसमें से। गाइस आपको क्या खाना है इसमें से बताओ, आपको क्या खाना है? मुझे लग रहा है कि गाइस को खाना है। गाइस आप क्या खाओगे इसमें से बताओ। गाइस इसमें से आप क्या खाओगे? मुझे लग रहा है कि गाइस को ना यही खाना है। ये क्या खाना है गाइस को? ये खाना है। और गाइस आप रोल खाओगे? मैंने आपको दिखा दिया, भूभी कह रही है कि रोल खाएंगे। यहाँ पे कोई कैसे देगा, ये गीला था। मैं इसमें वो अपनी फ्रेंड के घर जिस दिन गई थी, एक टेबल रख गई थी तो वो ब्लॉग में दिखाया भी था हमने। जब मैं गई तो उसके ऊपर ये पायदान रख दिया जाने, ये सब पायदान की रुई चिपक गई है इसमें। अब इसके ऊपर ऐपन लिखे ही नहीं जाएंगे। कैसे हो गए? अब ये इससे तारपिन तेल से भी साफ नहीं हो रहा, कैसे होगा वही मैं भी सोच रही हूँ। तारपिन तेल ही है, पेट्रोल है, पता नहीं पेट्रोल भर रखा है मुझे लग रहा है। पेट्रोल जैसी बदबू आ रही है। हाँ। तो दोस्तों दिन का टाइम चल रहा है और दिन के बज रहे हैं 3:30-4 और मैडम हो गई है तैयार। दोस्तों मैं शूट करने के लिए तैयार हो गई हूँ और साथ में ये अभी तैयार नहीं हुए हैं तो मैंने सोचा तब तक बर्तन वर्तन धो लेंगी, चाय पानी पी के उनको धो रही हूँ। आप भूमिका नाराज हो रही है पता नहीं क्यों, थोड़ी थोड़ी देर में रूठ जा रही है। कहाँ है? ओ हो हो राव साहब, आज तो आप गुस्सा हो रहे हो। भूभी जो रोने वाला दिन होता है तो कैसे रोते हो? वो मैं आर्ट से निकाल दिया पर मैं रोने की एक्ट नहीं कर रहा। कर देता। तो दोस्तों मैं आपको अक्सर कहता ना, हमारे बगल में ऐसी जगह है जो आपको देखे ना गांव की याद दिलाएगी। वो देखिए, वो अंकल आंटी जी बैठे हुए हैं और उनकी खेती हो रही है वहाँ पर देखिए। और अंकल आंटी का गाय भी है और उनकी क्यारियाँ भी वहाँ पर बनी हुई हैं और वो आंटी जी को ना दिन भर घासी काटते रहती हैं दिन भर। ये हेलो गाइस कह दो जोर से। ये तो वो आंटी जी हाई कह रही, आंटी जी हाई कह रही है वहाँ से। पापा ऐसे करो, इससे क्या होगा हमारा बड़ा हाथ नीचे। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर आप काउंटिंग करोगे। अच्छा चल 1 2 3 आप करोगे? आप करोगे? आप करोगे? मैंने ऐसे किया। नहीं जिसका अलग होता है। हाँ, वो करता है। हम दोनों का एक सा है। चल चलो छुपा जल्दी छुपा, काउंट करिए 1 2 3 आप दोनों ऐसे जगह में छुप जाए जैसे कि मैं आपको ढूंढ ना पाऊं। ठीक है चल 1 2 3 मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ। मेरे को देख दिया इसे, मैं छुप ही नहीं पाया इसी में। ओहो मम्मी को भी देख दिया। तो दोस्तों अभी भी बच्चों की वजह से जो है छुपन छुपाई खेलने को मिल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं खाई मच्छी में निकला काट, मम्मी ने मारा चाट, चाटा लगा जोर से, हम समोसे समोसे अच्छे अंकल जी नमस्ते। तो गाइस मम्मी लोग आ चुके हैं वॉक करके और क्या कहते हैं कल और परसों 2 दिन मेरी छुट्टी है तो मैं सोच रही हूँ कि बाहर वाली जो हमारी डोर स्टेप में मैंने डेली तो दे दिया, अब जो हमारी अंदर की डेली है यहाँ से जब हम एंटर होते हैं यहाँ से ऐसे अंदर को तो यहाँ पे भी देनी है, हम यहाँ पे भी एपड़ देने हैं, यहाँ पे रेड वाला कलर लगा रखा है तो मैं सोच रही हूँ 2 दिन की छुट्टी तो मैं यहाँ पे भी दे देती हूँ। तो आप मम्मा से राय लेंगे कि क्या हमको ये वाली डेली करने की परमिशन मिलेगी? परमिशन तो है पर मतलब वो वाली मैंने अच्छी नहीं की है क्या? अच्छी की है, अच्छी की है। तो तेरा पहला प्रयास है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर किया है तूने। तो गाइज चाय आ गई है गुड़ की कटके के साथ, मैंने ऑलमोस्ट चीनी छोड़ दी है। तो गाइज मैं आपको हमारे घर की एक विशेषता बताऊं, जैसे सर्दियां शुरू हो गई ना तो ये हमारे पिनालू शुरू हो गए हैं। तो सर्दियां हमारे यहाँ घिस घिस के लास्ट 31 मार्च तक घिसते हैं, होली के बाद तक मतलब ये लोग घिस देते हैं सर्दियों को, तो तब तक ये पिनालू चलेंगे। आप देखो पिनालू और गडेरी। हाँ पिनारा और गडेरी, मतलब इतना इंसान लास्ट में ना खाते खाते उकान हो जाएगा तब तक खाएंगे हमारे घर में। फिर जैसे गर्मी का सीजन आता है तो हमारे यहाँ वो शुरू हो जाते हैं, तुरई शुरू हो जाते हैं। दोस्तों मेरे को तो पिनालू इतने पसंद है, मैं उबले पिनालू कितने खा देती हूँ, अभी छीलते छीलते अभी मैं चेक करके एक आध तो खाऊंगी ही खाऊंगी। अगर कोई तुमसे कहे कि पिनालू या मुझ में से किसी एक को चूज करो तुम क्या करोगे?
पिला लो। ये इसको देखो, बेइज्जती कर रही है मेरी। सर आपकी बेइज्जती, तुमने क्वेश्चन नहीं ऐसा करा है। क्वेश्चन नहीं ऐसा करा है, मम्मी खुद बोल रही है आपने क्वेश्चन नहीं ऐसा करे। पिनालू और आपने से चूज करा, पिनालू के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है, पिनालू सबसे आगे। ये देख लो। हेलो गाइस, हम पिनालू खाते हैं, क्या खाएं फिर, अब जो मिला सो खाया। हमारी माता जी जब हंसती है ना, आ मजा ही आ जाता है। अब पिनालू एक सब्जी तो खानी ठहरी, फिर क्या करूं, महंगाई हो गई। पहली बेटी हम जो कार्तिका में हर जागरण करसी, तुलसी की कुछी चार बाजी नौ नैवे अचौल पानी, वो बाद हम तुलसी में दी जगह वे हर जागरण कुछी, हर जागरण करसी बहुत पहली 50 साल पहली के बाद सो बहुत शौक सी मगर हर जागरण में जाने की। प्रातः उठी मुख मंजन कर हूँ, प्रातः उठी मंजन कर हूँ, हर यमुना जल जारी ले आऊँ, प्रेम सहित हरी तुम्हें नहलाऊँ, प्रेम सहित हरी तुम्हें नहलाऊँ, धूप दीप कपूर जलाऊँ, माखन मिसरी को भोग लगाऊँ, माखन मिसरी को भोग लगाऊँ। कल की वीक नई उमंग नई तरह के साथ आज बहुत मजा आया। गुड नाइट गाइस, ऐसा था आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो फिर जितना हो सके वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। राधे राधे दोस्तों, थैंक यू सो मच आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।